एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां बच्ची की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद बच्ची कहां है किसी को नहीं पता। 5 साल की बच्ची जिसका अपहरण किया गया मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे से बच्ची लापता है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। दादी के पास जाने का कहकर बच्ची अपने घर से निकली थी, लेकिन दादी के घर नहीं पहुंची। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और मंगलवार से ही पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है। 1 दर्जन टीमें पुलिस की बच्ची की तलाश कर रही है, अलग अलग टीमें भी जुट गई हैं। तिराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वाजपेयी नगर मल्टी ईदगाह हिल्स का मामला बता दें आपको कि मंगलवार से ही 2 अलग अलग थानों की पुलिस जो बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। और खास बात यह है कि तमाम मल्टीज खंडहर या आसपास की जो टंकियां हैं या गड्ढे हैं, हर जगह बच्ची की तलाश कर ली गई। ये आखिरी तस्वीर बच्ची की जो सीसीटीवी में कैद हुई है। बच्ची जाते हुए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सभी मासूम की सुरक्षित रहने की प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि बच्ची को सुरक्षित उसके घर, उसके परिजनों के, उसके माता पिता के पास पहुंचाया जा सके। लेकिन अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि आखिर ये बच्ची चली कहां गई। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि बच्ची का अपहरण पुरानी रंजिश, पुराने विवाद या माता पिता से बदला लेने की नीयत से भी किसी ने किया होगा, इस बात से भी पुलिस इनकार नहीं कर पा रही। इसी इधर करते हैं, रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है, 2 अलग अलग थानों की पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी हाथ खाली ही है। देखिए जो है, अब तक पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से भी जो सुराग मिलने को लेकर पुलिस को उम्मीद थी कि कोई सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन अब तक जो नाउम्मीद है वही नजर आई है। और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी लगातार की जा रही है, सर्चिंग भी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में जो बच्ची के माता पिता है वो परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार हर जगह पर इस बात को लेकर गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची मिल जाए, लेकिन अब तक हर एक एक जगह पर जो तलाश की जा चुकी है। और इसी बात को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्ची गई कहां और इतने जल्दी कुछ ही सेकंड्स के भीतर बच्ची लापता आखिर कैसे हुई। और इसी बात के जवाबों को तलाशने के लिए पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आज बच्ची का कोई सुराग जरूर मिले। और उम्मीद इसी बात को लेकर है कि शायद बच्ची का कोई आज सुराग मिल सके और जिससे उसको तलाशने में शायद थोड़ी सी मदद जरूर मिल सके। जया, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजना। लेकिन हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि